देखिए, अब इस सवाल का जवाब मैं इस तरीके से दूंगा कि हर इंसान का अपना एक लर्निंग पोटेंशियल है, उसकी अपनी एक कैपेबिलिटी है, उसके पास लिमिटेड टाइम है। अब लेट्स सपोज अगर आप कोई जॉब करते हैं तो ऑफकोर्स ही बात है, आपको जॉब भी देखना है, फैमिली भी देखना है, बहुत ज़्यादा वक्त इसमें दे नहीं पाएंगे। तो हो सकता है कि आप 1 घंटा डेली दें या 1.5 घंटा, तो आपको थोड़ा सा वक्त एक्स्ट्रा लग सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपका पोटेंशियल जो है लर्निंग का या चीज़ों को ग्रास्प करने का, पिकअप करने का, उतना स्ट्रांग ना हो एज़ कम्पेयर टू अदर्स, या किसी किसी का बहुत स्ट्रांग हो, तो हो सकता है कि वो 4 महीने में एकदम एक्सपर्ट हो जाए, काफ़ी कुछ चीज़ें कर ले और ऑडिशंस क्रैक कर ले और काम करना स्टार्ट कर दे। जनरली लोग इस पोटेंशियल पे रहते हैं क्योंकि जब वो क्लासेस करते हैं, जब वो आते हैं सीखने के लिए, तो उनका जो पैशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी पिकअप करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप अपने कामों में बहुत बिजी हैं लेकिन फिर भी आप टाइम दे रहे हैं, तो 5 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके अपने पोटेंशियल पे, आपके अपने विल पावर पे, आपने अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी आपकी जो है उसके ऊपर, और आप इस चीज़ को कितना प्रायोरिटी पे रखते हैं उसके ऊपर भी। अगला जो कमेंट आया है वो ये कि मेरे पास भी कॉल आया था रजिस्ट्रेशन के लिए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन की फ़ीस मांगी है और उन्होंने कहा कि रिफंडेबल है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम पैसे आपको दे देंगे। अरे भाई, जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसे दे देंगे तो फिर पहले पैसे ले क्यों रहे? जब देना ही है पैसे तो लेने की क्या ज़रूरत है? और मैंने कितने बार वीडियोस में आप लोगों को समझाया कि कोई रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं होती है। कोई भी अगर प्रोडक्शन हाउसेस के नाम पे आपसे रजिस्ट्रेशन की फ़ीस मांग रहा है फ़ोन के ऊपर, या आपसे कह रहा है कि आप आ जाओ, और छोटे से ऑफिस में बोला कि आपका ऑडिशन ले रहा है और आपको बोल रहा है ये फॉर्म है, ये भर दीजिए और ये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, या ये एग्रीमेंट फ़ीस है, या हम काम देने के लिए इतना पैसा लेते हैं, या आप जो होटल में रहने वाले हैं उसकी ये फ़ीस है, तो डेफिनेटली वो आदमी फ्रॉड है, उसको ब्लॉक कर दीजिए। आर्टिस्ट कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप आर्टिस्ट कार्ड लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं मत लीजिए। कोई प्रोडक्शन हाउस आपको कभी फोर्स नहीं करेगा, कोई प्रोडक्शन हाउस आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको होटल के पैसे देने हैं, आप रजिस्ट्रेशन के पैसे दीजिए, आप हमसे पोर्टफोलियो बनवाइए, कोई प्रोडक्शन हाउस आपको ये नहीं बोलेगा। और जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको कहीं से भी कॉल आता है ऑडिशंस के लिए, तो जनरली कोशिश करें कि मलाड से लेकर के बांद्रा के बीच में जो भी प्रोडक्शन हाउसेस है वहीं पर जाएं। अभी जनरली लोग नाला सोपारा और यहाँ और उस इलाकों में मत जाइए। आजकल वैसे भी सारे ऑडिशंस ऑनलाइन होते हैं, तो आपको वैसे भी कोई ऑफिस बुलाएगा नहीं। ऑफिस अगर आपको सिर्फ बुलाया जाता है तो लुक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और वहाँ पर भी आपको किसी को कोई पैसे नहीं देने होते हैं, आपको पैसे मिलते हैं काम करने के। ध्यान रखिए, मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर, प्लीज़ जाके सारे वीडियोस चेक करिए। आपको काम के नाम पे किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको काम के पैसे मिलते हैं, ना कि आपको देने पड़ते हैं। अगला सवाल जो आया है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंस्टाग्राम फेसबुक पर बहुत सारे कास्टिंग अपडेट्स आते हैं, क्या वो झूठ हैं या सच है? देखो, एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर है जो जेन्युइनली काम कर रहा है, तो वो अपना नंबर इस तरीके से वायरल करेगा नहीं। वो कहाँ चाहेगा कि उसको 1 लाख लोग मैसेज करें? उसको एक कैरेक्टर की ज़रूरत है जिसकी 5 लाइंस हैं, 1 दिन का काम है। अब वो ये थोड़ी चाहेगा कि उसको 5 लाख लोग उसको मैसेज करें, वो तो पागल हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी एक लिमिटेड कम्युनिटी है, लिमिटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स की कम्युनिटी होती है, जहाँ पे वो लोग प्राइवेटली उस अपडेट को फॉरवर्ड करते हैं। अब उस ग्रुप्स में जितने लोग हैं वहाँ तक वो जो ऑडिशन के अपडेट्स हैं वो फॉरवर्ड हो जाती हैं। अब आप सोचो, एक एक्सेस जो है व्हाट्सएप का, जहाँ पे 500, 600, 1000 लोग जुड़े हैं, एक ये एक्सेस है। दूसरा एक्सेस है फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसा आदमी जो जेन्युइनली कास्टिंग कर रहा है, तो कहाँ पे अपडेट डालेगा? कहाँ पे अपना नंबर, जो फ़ोन नंबर है, जो उसका व्हाट्सएप नंबर है, वो कहाँ पे शेयर करेगा? व्हाट्सएप नंबर डेफिनेटली वो कम लोगों के बीच में, जेन्युइन लोगों के बीच में शेयर करेगा, जहाँ से उसको फटाफट सही कॉन्टैक्ट्स मिल जाए, उसका काम जल्दी हो जाए, या वो ऐसे रैंडमली लाखों लोगों को दे देगा जो कि दिन रात उसको कॉल करते रहेंगे और उसको परेशान करते रहेंगे। वो सो रहा है बाथरूम में, उसको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज आते जा रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस है आपकी, कि आप इस चीज़ को कितना बेहतर तरीके से समझते हैं, अभी भी समझते हैं या नहीं समझते हैं। हाँ, जो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो कुछ पोस्ट दिखाई देते हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा के, श्रुति महाजन के, और भी कई सारे जो जेन्युइन लोग हैं, यशराज के भी कभी कभी आते हैं, तो ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपना ईमेल आईडी शेयर करते हैं। और आपने कभी सोचा है कि जब आप इनको मेल्स करते हैं तो आपको रिप्लाई क्यों नहीं आता? उसका रीज़न भी यही है, क्योंकि वहाँ पर स्पैम मैसेजेस आते हैं। अभी अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे कोई एक पोस्ट डाली, एक ईमेल आईडी, और उस ईमेल आईडी को आप चंडीगढ़ से भी देख सकते हैं, आप मुंबई से भी देख सकते हैं, आप कलकत्ता से भी देख सकते हैं, आप सोचो हजारों लाखों लोग उनको मेल्स कर रहे हैं।
आपको लगता है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर बैठा हुआ है, दो लोगों की या चार लोगों की टीम है, उनके पास इतना टाइम होगा कि वो एक आर्टिस्ट को ढूंढने की जो उनकी जद्दोजहद चल रही है उसमें वो लाखों लोगों का प्रोफाइल चेक करेंगे? पॉसिबल है ये? नहीं पॉसिबल है। यही समझाने के लिए मुझे कई सारी वीडियोस आप लोगों को बनानी पड़ी हैं, लेकिन अभी भी शायद आप लोगों को ये बात समझ में आए या ना आए। अगर आप जेन्युइनली काम करना चाहते हैं तो आपको सही लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उनके व्हाट्सएप नंबर तक पहुंचना पड़ेगा जहां पे वो आपके प्रोफाइल को चेक करें, आपकी फ़ोटोज़ चेक करें। अगर उनको सही लगेगा तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप काम के लायक हैं या इस कैरेक्टर में आप फिट बैठ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। उनको तो आर्टिस्ट की ज़रूरत है ना, तो आपको क्लोज कम्युनिटी में आना ही पड़ेगा अगर आप काम करना चाहते हैं तो। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक और कमेंट आया, सर मैंने आपका ऐड देखा था, तो आप लोगों ने भी देखा होगा जो मेरा डेटॉल का ऐड था, वो काफ़ी वक्त तक चल रहा था, अभी भी चल रहा है टीवी पर। तो अगर आप लोगों ने देखा है और उसको प्यार दिया है, आपने बेस्ट विशेस दिए हैं, तो मेरा दिल से थैंक यू आप लोगों को। अगला कमेंट आया है, सर मैं मुंबई शिफ्ट होना चाहता हूँ, आप हेल्प कर सकते हो? देखो, मुंबई अभी ना आओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो अभी आपको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई आके करोगे क्या? अननेसेसरी के आपके खर्चे बढ़ेंगे। वो पैसों को आप सेव करो, सही वक्त का इंतज़ार करो, घर से ऑडिशन दो, सिलेक्शन होता है तब मुंबई आओ, और तब तक पैसे जमा करो। अभी ये सही वक्त है पैसे जमा करने का। अपना प्रिपरेशन करो, एक्टिंग सीखो जहाँ कहीं भी हो। अगर आपको कहीं आसपास कोई थिएटर ग्रुप मिलता है या कोई अच्छा टीचर मिलता है तो उनसे जुड़ जाओ। अगर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है और आप जेन्युइनली अच्छे टीचर से सीखना चाहते हो, तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं से आपको सीखना ही है, ये दिमाग में डाल लो कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, सीखना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला कमेंट आया, सर मुझे एक्टिंग आती है, क्या आप मुझे अपने साथ काम करने का मौका दोगे? देखो भाई, मैं खुद एक्टर हूँ, मैं किसी को काम देता नहीं हूँ। और कोई भी इंसान अगर आपको बोलता है, कोई भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी टीचर आपको बोलता है कि मैं आपको काम दे दूंगा, तो इसका मतलब है वो फ्रॉड है। कोई भी आपको काम देता नहीं है, काम आपको आपके टैलेंट पर मिलता है। और अगर आपको कहीं भीड़ भाड़ में खड़ा भी कर दे क्राउड में एक पल के लिए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, आप कहीं नहीं दिखोगे, कोई आपका करियर नहीं बनने वाला। सो बेटर है कि आप अपने टैलेंट पे काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो, ऐसे टीचर को पकड़ो जो आपके स्किल्स को डेवलप करे। काम सीख जाओगे तो काम तो अपने आप मिलेगा ना, काम के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम खुद अपना काम कर सकें, खुद काम हमारे पास चलता हुआ है, हम ऑडिशंस दें, सही जगह तक पहुँचें और हमें काम मिले, हमें इस लायक बनना है। सर ये बहुत यूज़फुल स्ट्रैटेजी है, मैंने खुद ट्राई किया है और रिजल्ट्स आर सुपर्ब। तो मेरे जो भी वीडियोस आप देखते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उनको रिपीट मोड में देखो बार बार, और साथ में प्रैक्टिस करो। सिर्फ देखने से नहीं होगा। एक बड़ा अच्छा कमेंट आया था यहाँ पे कि सिर्फ वीडियोज़ को देखने से नहीं होगा, आप उनके साथ साथ प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि ये तो स्किल है, जब तक आप करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो आपको वीडियोज़ के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये कुछ सवाल मैंने लिए थे जिनके जवाब मैंने आपको दिए हैं। अगर आप भी मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना सवाल वहां पर टाइप कर दीजिए। मैं डेफिनेटली आपके सवाल लूंगा और उनके जवाब इस तरीके से आप तक पहुंचाऊंगा।